फिर मेरे सर पर कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां रुका था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में कत्ल करेंगे मुझे, शायद सबसे पहले मेरे आवास पर तलवार गिरी। ये शेर मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने जेल में बंद सपा सांसद आजम खान के लिए किया, जिनका पूरा परिवार शासन प्रशासन के रडार पर है, जिसकी यूनिवर्सिटी को सरकार अपना बनाने के लिए तैयार है। अब इसे कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शायरी के जरिए राजनीतिक उत्पीड़न का नाम दे रहे हैं और इसलिए अब उन्होंने कमर कस ली है, आजम की पत्नी तजीन फातिमा से मिलने के लिए आए हैं। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके रुका था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज़ पे तलवार गिरी। दरअसल अब तक जो कुछ हो रहा था रामपुर में, वो एक राजनीतिक उत्पीड़न था, बदले की भावना से काम हो रहा था। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ तो हम सब उसे ये मान रहे थे कि ठीक है, राजनीतिक उत्पीड़न के तहत काम हो रहा है, विरोध करते रहे लेकिन इस तरह खुल के नहीं खड़े हुए। लेकिन आज हमला पूरी तरह से यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की मुहिम जैसा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी के साथ देश का हर पढ़ा लिखा इंसान खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को विश्वविद्यालयों से हमेशा तकलीफ़ रही है, वो चाहे अलीगढ़ हो, जामिया हो, JNU हो या फिर अब जौहर यूनिवर्सिटी हो। तो मैं रामपुर आज इसलिए आया क्योंकि अब्दुल्ला साहब की वालिदा अब्दुल्ला मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, तो मेरे लिए ये भी अम्मी की तरह हैं, माँ की तरह हैं, तो उनके दुख में शामिल होने आया। और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए किस तरह से तहरीक शुरू की जा सकती है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस पर काम हो और देश भर का नौजवान जो है वो इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए खड़ा हो। क्योंकि ये सिर्फ आज़म साहब की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पूरे देश की यूनिवर्सिटी है, समाज की यूनिवर्सिटी है। प्रतापगढ़ी के लिए आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम दोस्त हैं, उनकी माँ अपनी माँ की तरह है। उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पूरे समाज की यूनिवर्सिटी है, जिसके लिए वो आखिरी युद्ध करने को तैयार हैं, इसलिए अपनी पार्टी कांग्रेस से इतर ऊपर उठे हैं। तभी तो मध्य प्रदेश से आए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को इतने दिनों के अब इंतहा लग रहा है। मेरा आजम भाई से 25 साल पुराना ताल्लुक है, मैंने उनके साथ काम करा है राजनीति में, और बराबर आजम भाई के ऊपर हमले हो रहे थे, हम लगातार देखते रहे। राजनीतिक दुर्भावना से ये हमले चल रहे थे, परिवार तक चले, तो ऐसा लगा था कि शायद अब इंतहा हो गई, हम लोगों को उठकर खड़े होना चाहिए। मैंने इमरान प्रतापगढ़ी साहब से दरख्वास्त करी, इमरान भाई कई बार ये बात कह चुके थे कि मुझे आजम भाई से मिलने जाना है, तो हम दोनों ने आज ये तय करा कि अपन आज चलते हैं और ये मुहिम चलाते हैं इस देश के अंदर कि हक़ की आवाज़ को कब तक दबाया जाएगा, किस इंतहा तक दबाया जाएगा, उसके खिलाफ किसी को तो खड़े होना पड़ेगा। तो उसी सोच पर आज हम आए, भाभी से मुलाकात हुई, वहाँ के हालात जाने, विश्वविद्यालय पर जिस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस परिवार पर जिस तरह की हो रही हैं, वो सब जाना। और मैं आपके ज़रिए पूरे मुल्क से आह्वान करता हूँ कि इस हक़ की आवाज़ को दबने से बचाने के लिए सबको खड़े होना पड़ेगा। तो अचानक से कांग्रेस नेताओं को आजम खान के लिए प्रेम क्यों जागा? क्या ओवैसी के बढ़ते कदम ने उन्हें राजनीतिक समझ दे दी? और आजम परिवार के लिए इन नेताओं के जज्बात पर अखिलेश क्या कहेंगे?